नमस्कार, मैं हूं श्रद्धा। आप सभी दर्शकों का आपके मनपसंद कार्यक्रम अन्नदाता में स्वागत करती हूं। किसान हमारे अन्नदाता हैं और उनकी उन्नति में ही राज्य की प्रगति है। ऐसे ही भारतीय किसानों को खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी नई लाभकारी जानकारियां देने के लिए हर रोज सुबह हम आपके साथ आते हैं। तो चलिए कार्यक्रम शुरू करने से पहले देखते हैं क्या है आज के अन्नदाता में। नींबू के बाग में कीट रोग की रोकथाम के उपाय, ड्रिप सिंचाई अपनाएं, कम पानी में अच्छी उपज पाएं। प्रदेश के आर्थिक विकास में बागवानी का महत्वपूर्ण योगदान है। इसके लिए बहुत से किसान भाई कई तरह की बागवानी करते हैं, लेकिन इनमें कभी कीट रोग का प्रकोप होता है तो कई बार खाद देने की जरूरत होती है। ऐसे में बागवानी से जुड़े किसान इन कार्यों को किस तरह करें, इसके लिए देखिए कार्यक्रम का ये अंश। नींबू के फलों की बाजार में वर्ष भर मांग रहती है। इसकी बागवानी करने वाले किसान अच्छा मुनाफा कमाते हैं। प्रदेश के बहुत से किसान भाइयों ने नींबू के बाग लगाए हैं। उन्हें बाग में इस समय कुछ कार्यों को करना जरूरी है। नींबू के बाग में अक्सर कई तरह के खरपतवार उगाते हैं और ये खरपतवार भूमि से खाद पानी ग्रहण करते हैं तथा विभिन्न प्रकार के कीट और रोगों को आश्रय भी देते हैं, जो बाद में पौधों को नुकसान पहुँचाते हैं। तो इसे नियंत्रण करने के लिए बागवान भाइयों को चाहिए कि वह बाग में निराई गुड़ाई द्वारा खरपतवारों को समय समय पर निकालते रहें और पौधों के चारों ओर थाला बनाएं। ऐसा करने से भूमि में वायु संचार बढ़ेगा और पौधे की अच्छी बढ़वार होने से फलत भी अधिक मिलेगी। आज मैं आपको नींबू में कीट एवं रोग प्रबंधन के बारे में जानकारी देना चाहूँगा। सबसे पहले हम बात करते हैं कीट कौन कौन से लगते हैं इसमें। लीफ माइनर की, लीफ माइनर जो कीट है वो क्या करता है, जो पौधे का जो टेंडर पार्ट होता है या जिसको कहते हैं कि नई ग्रोथ होती है, नई वृद्धि होती है, नई पत्तियां होती है, उन पे आक्रमण ज़्यादा होता है। इसमें ये कीट क्या करता है कि नई जो टेंडर पत्तियां हैं उन पे उनकी जो ऊपर की जो परत होती है पत्ती की, उसके नीचे जाके क्लोरोफिल खाता है। ये क्लोरोफिल जो है हरा भाग, उसको स्क्रैप करके खाता रहता है। इससे क्या होता है कि पत्तियाँ सिकुड़ जाती है और उसके ऊपर आप देखेंगे इसके लक्षण तो पत्ती के ऊपर एक टेडी मेडिसी सफ़ेद सफ़ेद रंग की सुरंग सी बन जाती है, इसीलिए इसको लीफ माइनर बोला जाता है। दूसरा जो कीट है लेमन बटरफ्लाई, लेमन बटरफ्लाई जो कीड़ा होता है एडल्ट, तो उसकी तितली होती है काले और हल्के पीले रंग की तितली होती है। लार्वा जो होता है इसका, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ स्टार इंस्टार जो लार्वा होता है वो काले रंग का यानी कि गहरा भूरा और बीच में हल्के पीले रंग के जो तिरछे से आड़े तिरछे से स्पॉट होते हैं और जिसका जो फुल जो ग्रोन जो लार्वा होता है वो हरे रंग का हो जाता है। तो ये क्या करता है कि पूरी पत्ती को, जो पत्ती की बीच की सिरा होती है उसको छोड़कर पूरे पत्ती को खा जाता है और यदि इसका आक्रमण ज़्यादा हो गया, इसका प्रकोप ज़्यादा हो गया तो पूरे पौधे की पत्तियां खा जाता है और पौधा एकदम ऐसे नंगा दिखाई देता है बिना पत्तियों का। आज के समय में नींबू का बाग भी कीट रोग के प्रकोप से अछूता नहीं है। ऐसे में बाग को कौन कौन से कीट नुकसान पहुंचाते हैं और किसान उन्हें कैसे पहचाने और नियंत्रण के कौन से उपायों को अपनाएं, इस बारे में जानते हैं। इसके लिए क्या करना चाहिए, यदि कम संख्या में है ये लेमन बटरफ्लाई तो इसके लिए हम पत्तियों से, जैसे एक पेड़ पे जो छोटा ये शुरू हो जाती है जब बगीचा हम लगा देते हैं उसी समय से शुरू हो जाती है, तो उसी समय हमको रोज विजिट करना चाहिए अपने बगीचे का। उससे पता लगता है कि हमारे खेत में कितने कीड़े बीमारियां आ गई, नहीं आई, हेल्दी है पौधा, बीमार है, क्या है, तो वो सिम्टम दिखने लग जाते हैं। तो शुरू में कुछ पौधों पर एक दो ही ये इसकी लट जो दिखती है तो उसको हम हाथ से भी हटा के मार सकते हैं यदि ज़्यादा प्रकोप नहीं है तो। ज़्यादा प्रकोप हो जाता है तो कोई भी सिस्टमिक जो इंसेक्टिसाइड है उसका हम स्प्रे करके इसका नियंत्रण कर लेते हैं, लीफ माइनर में करते हैं, इसमें एसीफेट का जो है छिड़काव कर देते हैं। बागवान भाइयों, आपको नींबू के बाग से अधिक फल मिले इसके लिए बाग को रोगों से बचाना बेहद जरूरी है। इसके लिए आपको बाग का नियमित देखरेख करनी होगी।
इसके अलावा इसमें लगने वाले रोगों की सही पहचान करके समय पर नियंत्रण करना होगा, तभी बाग से अधिक फल मिलेगा। इसके बाद में बात करते हैं कैंकर की। जो सिट्रस कैंकर होता है, इसके शुरुआती लक्षण होते हैं, जैसे हमारा सूरज उगता है सुबह सुबह तो लालिमा लिए हुए होता है, इसी तरह से पीले रंग के धब्बे बनना शुरू हो जाते हैं गोल पत्तियों के ऊपर। यही धब्बे बाद में जाके भूरे हो जाते हैं, फिर जैसे जंग लग जाती है उस तरह के धब्बे हम पत्तियों पे देखते हैं। शुरुआती जो इसके लक्षण है वो पत्तियों पे आते हैं, उसके बाद में जैसे ये रोग भयंकर रूप लेता रहता है तो शाखाओं पे तने पे आ जाता है ये, और बाद में इसका प्रकोप फलों पे भी हो जाता है जब फल आते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले शुरुआती लक्षण आते ही हमको स्ट्रेप्टोसाइक्लिन है और कॉपर ऑक्सीक्लोराइड है COC जिसको हम कहते हैं, उनका हम स्प्रे करते रहें। जो स्ट्रेप्टोसाइक्लिन है वो और जो COC है वो 2 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से घोल के इसका छिड़काव करते रहें निश्चित अंतराल पर, तो इसका हम प्रकोप से रोक सकते हैं। किसान भाइयों, अभी तक आपने खेती से जुड़ी हुई कुछ उपयोगी जानकारियां देखी। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, जल्द ही लौटेंगे और कार्यक्रम में आगे भी हैं खेती बाड़ी से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां, तो बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का अन्नदाता में स्वागत है। चलिए अब रुख करते हैं अगली कड़ी की ओर। देश के लगभग सभी क्षेत्रों में किसान खेतीबाड़ी से अपना जीवन यापन करते हैं, मगर जिन क्षेत्रों में पानी की कमी रहती है वहां किसानों के लिए खेती करना बहुत मुश्किल होता है। ऐसे में किसान बूंद बूंद सिंचाई, बौछारी सिंचाई के साथ आजकल रेनगन का इस्तेमाल करते हैं। खास बात यह है कि इन विधि से सिंचाई करने के लिए सरकार की तरफ से किसानों को अनुदान भी उपलब्ध करवाया जाता है। देखें रिपोर्ट। आज आपके सामने सिंचाई की पद्धतियों के बारे में जानकारी देना चाहती हूं और उसमें से ये बताना चाहती हूँ कि कौन सी सिंचाई पद्धति अपने किसान भाइयों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और लाभकारी है। जैसा कि हम देख रहे हैं कि आजकल दिन प्रतिदिन पानी का जल स्तर गिरता जा रहा है और हमारी फसल में जितना हमें पानी देना चाहिए उतना पानी हमें मिल नहीं पा रहा है, तो इस तरह से किसान भाई अधिक लाभ नहीं कमा पा रहे हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि पहले परंपरागत किसी में हम किसान भाई फ्लड इरीगेशन, चेक बेसिन मेथड, फरो मेथड के द्वारा सिंचाई करते थे, लेकिन आजकल हम देख रहे हैं कि कई किसान भाई ड्रिप इरिगेशन, स्प्रिंकलर इरिगेशन, जिनको माइक्रो इरिगेशन कहते हैं, इन पद्धतियों का भी उपयोग कर रहे हैं और इन पद्धतियों के कई फायदे हैं जिसके बारे में मैं आपको विस्तृत रूप से जानकारी देना चाहूँगी। ड्रिप इरिगेशन या ट्रिकल इरिगेशन कहते हैं, इसमें मतलब इसका मतलब है कि बूंद बूंद करके पानी देना फसल में। बूंद बूंद या ड्रिप सिंचाई प्रणाली, यह एक ऐसी सिंचाई पद्धति है जिसमें पौधों की आवश्यकता अनुसार पानी बूंद बूंद करके पौधों के पास दिया जाता है। न्यायोचित जल प्रबंध से भूमि में वायु एवं जल का सही अनुपात होने से पौधे स्वस्थ रहते हैं। तो ये पद्धति इजराइल द्वारा विकसित की गई है और ये बलुई मिट्टी या यहाँ पर बहुत कम बारिश होती है उस मिट्टी के लिए बहुत ही उपयोगी है। इस पद्धति से सिंचाई करने से करीब हमारे 50-70% तक जल की बचत की जा सकती है। ये पद्धति जहाँ पर फसल हमने काफी दूरी पे बोई है, पेड़ पौधों जहाँ पर हमारा बागान है या हम सब्जियां उगा रहे हैं, उन फसलों में ये विधि तो काफ़ी उपयोगी है और इस विधि का उपयोग करके हम फल बागानों में या सब्जियों में इस पद्धति का उपयोग कर सकते हैं। आजकल हम देख रहे हैं कि कई किसान भाई पद्धति के द्वारा उर्वरक भी जमीन में दे रहे हैं, जिसको हम बोलते हैं फर्टिगेशन। सिंचाई के साथ उर्वरक देने की क्रिया को फर्टिगेशन कहते हैं, क्योंकि अगर हम वैसे उर्वरक देते हैं अपनी खड़ी फसल में तो उर्वरक की मात्रा ज़्यादा जाती है। अगर हम सिंचाई के द्वारा पानी के साथ अगर उर्वरक देंगे तो पानी सीधे पौधे के जड़ क्षेत्र में पहुँचेगा, इससे हमारी उर्वरक की बचत होती है। आजकल कई किसान भाई इसके के साथ हम कीटनाशी भी दे रहे हैं, अगर हमारी ज़मीन में दीमक की समस्या है या कोई ऐसी बीमारी है, जड़ गलन बीमारी है, तो दवाइयाँ भी इसके द्वारा पहुँचा रहे हैं, तो इससे भी हमारे सीधे ज़मीन की जो बीमारियाँ हैं उससे भी पूरा अपनी फसल को बचा सकते हैं। अगर हम इस पद्धति का उपयोग करते हैं तो हमारी फसल में जो खरपतवार आ रहे हैं वो भी कम आते हैं, तो इस पद्धति का उपयोग करके हम अपने लेबर की बचत भी कर सकते हैं। ड्रिप विधि में पानी को जल स्रोत से उठाकर फिल्टर द्वारा छानकर HDPE द्वारा PVC पाइप द्वारा पहुंचाया जाता है। घुलनशील उर्वरक व रासायनिक पदार्थों का प्रयोग करना हो तो पंप तथा फिल्टर के बीच में एक टैंक का प्रावधान रख देते हैं। बागवानी फसलों में पौधों की प्रत्येक पंक्ति के साथ एक शाखा लाइन तथा कम दूरी वाली फसलों में 2 पंक्तियों के मध्य एक शाखा लाइन बिछाई जाती है।
पौधों की सिंचाई के लिए प्रत्येक पौधे के पास शाखा में ड्रिपर लगा दिए जाते हैं। ड्रिप सिंचाई के लिए मुख्यतः मोनो ब्लॉक पंप इस्तेमाल किए जाते हैं। पानी की अधिक मात्रा में आवश्यकता होने पर अथवा जल स्तर गहरा होने पर बड़े पंप की आवश्यकता होती है। प्रत्येक पौधे हेतु ड्रिपरों की संख्या एवं क्षमता पौधों की प्रतिदिन जल मांग पर निर्भर करती है। किसान भाई, मैं आपको जानकारी देना चाहती हूँ, अगर आप ड्रिप इरिगेशन उपयोग कर रहे हैं तो उसमें क्या क्या देखभाल, क्या क्या ध्यान देने योग्य बातें हैं? तो आप पहले किसान भाई, अगर जहाँ ड्रिप कर रहे हैं तो किसान भाई ये देख लें कि हमने ड्रिप लगाई है तो उसका जो छेद है वो प्रत्येक पौधे तक जा रहा है, कहीं उसमें पाइप में कहीं छेद बंद तो नहीं है, या पाइप कहीं से टूटी फूटी तो नहीं है, या पाइप कहीं से मुड़ी तो नहीं है। इस बात का ध्यान किसान भाई रखें कि प्रत्येक पौधे में पानी पहुँच रहा है। किसान भाई इस बात का भी ध्यान रखें कि जो हमारा अंतिम छोर खोलकर पानी एक दो मिनट यहाँ से बाहर निकलने दें, उसके बाद ही पानी दें। इसमें क्या होता है, इमिटर्स होते हैं जिसको रिसाव द्वार कहते हैं, ये अगर हमारे पानी की में लवण ज़्यादा हैं तो अगर हम ध्यान नहीं दें तो ये इमिटर्स बंद हो जाते हैं, जिससे पानी प्रत्येक पौधे तक नहीं पहुँचता। तो किसान भाई जब भी अपनी फसल में ड्रिप का पाइप लगाएं तो ये ध्यान दे लें कि हमारे पाइप के जो छेद हैं वो बंद तो नहीं हो गए हैं, उनको ठीक प्रकार से साफ़ कर लें तो पूरे पौधे में पानी जा सकता है। और कई कई बार किसान भाई अपने ड्रिपर को ऐसे ही छोड़ देते हैं तो उससे क्या होता है, जो चूहे हैं या रोडेंट्स हैं वो उसको नुकसान पहुंचा देते हैं, पाइप को काट देते हैं। तो किसान भाई जब भी हमारी फसल में पानी नहीं देना हो तो उस पाइप को एक तरफ अच्छी जगह पर रखें, जिससे अपने पाइप को नुकसान ना हो। किसान भाई, हमारे राज्य सरकार मध्य प्रदेश सरकार द्वारा ड्रिप इरीगेशन, स्प्रिंकलर इरीगेशन या मोबाइल रेनगन इरीगेशन के लिए अनुदान भी दिया जा रहा है। कोई विशेष वर्ग के लिए ये योजना नहीं है, समस्त किसान भाई इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। इसके लिए अपने अपने जिले के या अपने ब्लॉक के कृषि वरिष्ठ कृषि विस्तार अधिकारी या कृषि अधिकारी से मिलना होगा, और इसके लिए हमें कुछ फॉर्मेलिटीज़ रहती हैं, फॉर्म वगैरह भरना होता तो होगा, उसके बाद हम इन योजनाओं का लाभ उठा सकते हैं, वो अनुदान के रूप में दी जाती है। अगर ये लेना चाहते हैं, ये सिंचाई प्रणाली अपनाना चाहते हैं तो अपने निकटतम कृषि विस्तार केंद्र KVK या अपने जो भी जिले के ग्राम सेवक हैं उनसे मिलके इस जानकारी का पूरा लाभ उठा सकते हैं। आगे और भी हैं खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी रोचक जानकारियां, पर यहां पर रुकेंगे एक और ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर हो। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। बढ़ते हैं अगली प्रस्तुति की ओर। मौसम के अनुसार प्रबंधनों पर ही टिकी है आपकी खेतीबाड़ी, इसलिए मौसम पूर्वानुमान और उस पर आधारित साप्ताहिक कृषि सलाह इस प्रकार है। हनुमानगढ़ जिले के किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि कोरोना के गंभीर फैलाव को ध्यान में रखते हुए किसानों को तैयार सब्जियों की तुड़ाई तथा अन्य कृषि कार्य करते समय सरकारी दिशा निर्देशों का पालन करने, व्यक्तिगत स्वच्छता, मास्क का उपयोग करने, उचित अंतराल पर साबुन से हाथ धोने तथा एक दूसरे से सामाजिक दूरी बनाए रखने पर विशेष ध्यान दें। किसानों को सलाह दी जाती है कि कपास की प्रथम चुनाई 50-60% टिंडे खिलने पर शुरू करें। फसल पर मिलीबग कीट को रोकने के लिए फसल के चारों ओर उगने वाले सभी खरपतवारों को हटा दें। इस समय चावल की फसल में जीवाणु झुलसा रोग का प्रकोप हो सकता है, इसकी रोकथाम के लिए नजदीकी कृषि अधिकारी से सलाह लें अथवा स्ट्रेप्टोसाइक्लिन 20 ग्राम व कॉपर सल्फेट का घोल बनाकर फसल पर छिड़काव करें। मूंग की फसल में जब फली छेदक कीट दिखाई देती है तो क्यूनालफास 25 EC या मोनोक्रोटोफास 36 WSC 250 ml प्रति बीघा की दर से घोल बनाकर छिड़काव करें एवं पकी हुई फलियों की तुड़ाई कर 7-10 दिन तक धूप में सुखाएं। अगेती बुआई की गई मूंगफली की फसल इस समय परिपक्व हो चुकी है, इसलिए किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि जमीन खोद कर देख लें कि फलियां पक गई हैं या नहीं। अगर 80% फलियां पक गई हों तो मूंगफली की खुदाई करना चालू करें। किसान तैयार खेत में गाजर की बुआई कर सकते हैं, इसके लिए पूसा रोधिरा किस्म का प्रयोग करें। इसके लिए बीज दर 4 किलोग्राम प्रति एकड़ की दर से प्रयोग करें। सरसों की शीघ्र बुआई के लिए खेत की तैयारी शुरू कर सकते हैं, इसके लिए किसान भाई प्रमाणित बीज एवं खाद की व्यवस्था करें और मिट्टी जांच कराकर ही पोषक तत्वों का प्रयोग करें। इस महीने मौसम सदाबहार फलों के पौधों जैसे
आम, अमरूद, लीची आदि लगाने के लिए उपयुक्त है। नींबू वर्गीय बागीचों में फलों को गिरने से रोकने के लिए 2,4-D सोडियम नमक बागवानी ग्रेड 5 5 ग्राम 500 लीटर पानी में प्रति एकड़ की दर से घोल बनाकर छिड़काव करें। नींबू वर्गीय पौधों में जिंक की कमी को ठीक करने के लिए पौधों को 0.3% जिंक के साथ स्प्रे करें। अगेती रबी फसलों की बुआई के लिए खेत की जुताई कर तुरंत पाटा अवश्य लगाएं ताकि मृदा में नमी की कमी ना हो सके। फसलों और सब्जियों की बुआई से पहले पूरी तरह खेत में सड़ी हुई गोबर की खाद का प्रयोग करें, क्योंकि यह मिट्टी के भौतिक और जैविक गुणों में सुधार करता है और मिट्टी की जलधारण क्षमता को बढ़ाता है। अन्नदाता हेल्पलाइन निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से एक या दो महत्वपूर्ण प्रश्न को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं। इसके तहत आज का चयनित प्रश्न और उसका जवाब इस प्रकार है। अन्नदाता निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से पूछे गए प्रश्नों में से आज हमने जिस प्रश्न को कार्यक्रम में शामिल किया है उसे पूछा है ग्राम हाटी जिला उदयपुर के कृषक धर्मराज सिंह ने। आप पशुओं में अड़ैया बुखार के बारे में जानकारी चाहते हैं, तो धर्मराज सिंह जी आपकी जानकारी के लिए प्रस्तुत है कार्यक्रम का ये अंश। किसान भाइयों नमस्कार। इन दिनों मौसम में उतार चढ़ाव जारी है, तो ऐसे बदलते हुए मौसम में हमारे पशु जो है अक्सर एक बीमारी के चपेट में आ जाते हैं, जिसे हम अड़ैया बुखार कहते हैं। ये दरअसल एक तरह का इन्फ्लुएंजा वायरस से होने वाली बीमारी है। 3 days सिकनेस, यह रोग मुख्यतया गायों भैंसों में बरसात के मौसम में होता है, लेकिन अब बदलते मौसम में भी इसका प्रकोप देखा जा सकता है। पशु विशेषज्ञों की भाषा में इसे 3 days सिकनेस या बोवाइन इफिमेरल फीवर के नाम से भी जाना जाता है। यह रोग बड़े मच्छर डास के काटने से फैलता है। इस रोग की चपेट में आने वाले पशु का तापमान सामान्य से बढ़ जाता है। पशु को श्वास लेने में कठिनाई होने लगती है। कई अधिकांश पशु खांसने भी लगते हैं। दुधारू पशु का दूध उत्पादन एकदम से गिर जाता है। 4 पैरों में से किसी एक पैर से पशु लड़खड़ाने लगता है। आमतौर पर इस रोग का प्रकोप पशु के शरीर में 2.5 से 3 दिन तक रहता है। इसलिए इस रोग को पशुपालक अढ़ैया या फिर 3 दिन का बुखार के नाम से भी जानते हैं। और सर्दी जुकाम के लक्षण जो है उसको दिखते हैं। नाक से पानी गिरता है, पशु को कंपन भी होता है और पशु खाना पीना बिल्कुल बंद कर देती है, तो इसे ही अढ़ैया बुखार कहते हैं। तो किसान भाइयों, अगर आपका पशु किसी वजह से इस बीमारी के चपेट में आ जाता है तो आपको कुछ दवाएं हैं जो कि आपको देना पड़ेगा। पशु को जो है दर्द निवारक दवाएं और बुखार निवारक दवाएं जो है देना पड़ेगा। कई बार पशुपालक भाई ध्यान नहीं देते हैं तो यही अढ़ैया बुखार जो है आगे चल के निमोनिया का भी रूप धारण कर लेता है, जिससे कि पशु को सांस लेने में भी समस्या होने लगती है। अगर समय रहते पशु का उपचार नहीं किया जाए तो इस रोग की वजह से पशु की मौत भी हो सकती है। अक्सर बारिश के समय या उसके बाद डास नाम के मच्छर पैदा हो जाते हैं जो पशुओं को काटकर बीमार कर देते हैं। इन्हीं मच्छरों द्वारा अन्य पशुओं के काटने से यह रोग निरंतर फैलता रहता है। गर्भित पशु इस बीमारी की चपेट में आने से बैठने लगते हैं और उन्हें खड़े होने में दिक्कत होती है। ऐसे में रोग से बचाव के लिए लक्षण पता चलते ही पशुपालकों को तुरंत पशु चिकित्सक से संपर्क करना चाहिए। पीड़ित पशुओं को गुनगुना पानी देना चाहिए। पशुओं को बुखार व दर्द कम करने वाली दवा के साथ साथ भूख बढ़ाने वाली दवा भी देनी होगी। लगातार इन दवाओं को देने से पशु 2 से 3 दिन में ठीक हो जाता है। आप किसी दवा का प्रयोग पशु चिकित्सक की सलाह से ही करें। तो समय रहते अगर हम लोग उपचार कराते हैं तो ये बहुत बड़ा कोई समस्या नहीं है। ये आपको सिर्फ शुरुआती लक्षण में आप सिर्फ बुखार नाशक दवाएं, जिसमें कि पारासीटामोल और मेलोक्सिकेम ग्रुप की दवाएं जो है हम लोग पशु को चला सकते हैं शरीर के भार के हिसाब से। और इसके बाद अगर 2-3 दिन में 2.5 दिन में अगर ये बीमारी ठीक नहीं होती है तब ये माना जा सकता है कि पशु को बैक्टीरिया का भी संक्रमण हो गया है। तो ऐसे परिस्थिति में पशु चिकित्सक की देखरेख में एंटीबायोटिक की दवाएं, जिसमें पेनिसिलिन ग्रुप की दवाएं, इनरोफ्लोक्सासिन ग्रुप की दवाएं जो है काफ़ी अच्छी कार्यरत होती है। इसमें जो है 3rd generation सेफालोस्पोरिन ग्रुप की दवा जिसमें आपको काम करता है। और थोड़ी बहुत जो है सावधानी आप बरतें इस मौसम में।
इन सभी बातों का अगर आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, ज़्यादा शाम को ज़्यादा समय अंधेरा तक जो है पशु को चरने के लिए नहीं छोड़ें, ज़्यादा सुबह में पशु को चरने के लिए नहीं निकालें, अगर आप इन सभी बातों का थोड़ा सा ध्यान रखते हैं तो आपका पशु जो है अढ़िया बुखार से मुक्त रहेगा और उससे आपका पशु बीमार नहीं पड़ेगी और आप अपने पशु से उत्पादन प्राप्त करते रहेंगे। धन्यवाद। आइए अब एक नजर डालते हैं राज्य के कुछ चुनी हुई मंडियों के प्रमुख फसलों के बाजार भाव पर। अब आइए देखते हैं कल दिखाए जाने वाले कार्यक्रम की मुख्य झलकियां। हाइड्रोपोनिक्स तकनीक से उगाएं पशुओं के लिए वर्ष भर हरा चारा। शरदकालीन गन्ने की वैज्ञानिक तकनीक से बुआई। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या और सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता, न्यूज 18 राजस्थान, रामोजी फिल्म सिटी, हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है p18annadataRajasthan@nw18.com। इसके अतिरिक्त आप हमें निशुल्क हेल्पलाइन नंबर 1800414155 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। किसान भाइयों, अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का, तो हमारी अन्नदाता टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर होगी आपसे मुलाकात कृषि संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। नमस्कार।